नमस्कार जाप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित, इस वक्त हम खड़े हैं गुप्ता पाड़ा के यहाँ पर और आज जो है नेशनल डोनर डे है, तो इसी के उपलक्ष्य पर यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अंडमान एंड निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल जो DHS है उसके जो नर्स हैं डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप जो है किया गया है और ये जो है गुप्तापाड़ा में किया गया है, गुप्तापाड़ा के कृष्णा मंदिर में। तो जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी लोग जो है यहाँ पर उपस्थित थे और आसपास के काफ़ी लोग जो है आए हैं और जैसा हमें ये पता चला है कि पहली बार जो है यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, अगर आसपास के हम विलेज मिलाए तो भी यहाँ पर जो है पहली बार रखा गया है। तो इस विषय को लेकर जो है प्रकाश अधिकारी जी से हम बात करेंगे जो गुप्तापाड़ा के जिला परिषद मेंबर हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और उनका क्या कहना है आपके समक्ष रखते हैं। नमस्कार रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने दूर दराज क्षेत्र में आके आज ये शुभ दिन को जो ब्लड डोनर डोनर्स डे के नेशनल डोनर डे के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे जो अब खड़े हैं कृष्ण मंदिर हॉल पे, यहाँ पे नित्यानंद सेवा संघ की ओर से ऑर्गेनाइज किया है, सपोर्ट कर रहे हैं हमारे DHS के एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा। आज हमने पहली बार इस क्षेत्र में आप बोल सकते हैं आप वंडूर हम्पीगंज गुप्तापाड़ा ऐसा सिपी घाट से लगा हुआ हमारा ये पंचायत है, इस तरह का आसपास में कभी भी ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप नहीं हुआ। अक्सर देखा जाता है हम लोग बाजार क्षेत्र में ही करते आ रहे हैं। आप अगर बोलेंगे श्री विजयपुरम में अगर होते हैं तो यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर से जाकर ब्लड डोनेशन बहुत लोग इच्छुक होते भी नहीं दे पाते। ये कहीं ना कहीं हमारे बहुत दिनों से डिमांड चलते आ रहा था कि हम एक ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे करें, तो हमने ये प्रयास किया है। आज ये दिन भी अच्छा है, नेशनल डोनर डे के उपलक्ष्य में हम लोग इस दिन को मना रहे हैं और ख़ास करके आज हमारा इस क्षेत्र में सभी लोग यहाँ आप देख सकते हैं हमारे महिलाएँ जो दे रही है बहनें सब वंडूर पंचायत से, हम्पीगंज पंचायत से, गुप्तापाड़ा पंचायत, सारे क्षेत्र से लोग यहाँ पहुँचे हैं। आज हमें उम्मीद है 100 यूनिट का, लेकिन डिपार्टमेंट की ओर से बोल रहा है कि आए दिन हम लोग काफ़ी कंटिन्यू ब्लड कर रहे हैं तो 50 के करीबन यूनिट ले पाएंगे। तो कोई बात नहीं, धन्यवाद, अगले बार इससे ज़्यादा अच्छा करें। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज हमने प्लेज भी लिए हैं यहाँ पे, एक शपथ लिए है कि आने वाले समय में जब भी किसी को ज़रूरत पड़े भेदभाव पक्षपात जात पात के ना देखते हुए हम ब्लड देंगे और इच्छुक से हम पहुँचेंगे। हम ऐसा कैंप हर जगह, मैं सभी द्वीपवासियों से सभी संस्था से अनुरोध करता हूँ कि हर जगह हर क्लब में हर सभागार में आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बहुत संगठन है ऐसे इस तरह के काम करते आते हैं, लेकिन गांव दूर दराज क्षेत्र होने के कारण हम लोग पता नहीं चलता है। हमारे द्वीप पूरा बिछड़ा हुआ, एक भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो द्वीप बहुत दूर दूर का द्वीप से लोग यहाँ आइलैंड में आते हैं, जीवीपंत में आते हैं, लेकिन उनका रिश्तेदार यहाँ नहीं होने के कारण उनको ब्लड के डिमांड जब होता है उनको बहुत तकलीफ होता है, बहुत मुश्किल से उनको ये अरेंज होता है क्योंकि उनका परिचय यहाँ पे किसी का नहीं होता है। इसके कारण देखते हुए मैं भी सोशल कार्य में जुड़ा रहता हूँ करीबन 30-32 साल से, मैं देखता रहता हूँ इस तरह का। मैं भी कई बार ऐसे ऑर्गेनाइज बाजार में हम लोग करते हैं तो जाते हैं, मेडिकल में होता है तब भी जाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र को मैं सोचा कि चलिए इस क्षेत्र में भी ऐसा किया जाए, मेरे ख्याल से लोग भी बहुत खुश होंगे और आप देख भी पा रहे हैं गाँव के काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम उनके लिए सारे व्यवस्था यहाँ पे दूध उनको देना, संस्था की तरफ से मेडिकल डिपार्टमेंट के से रिफ्रेशमेंट भी उन लोग लाए हैं, हम लोग रात दिन का भोजन का भी व्यवस्था यहाँ किए हैं ताकि दूर दराज से या काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं तो उनको जाने में दिक्कत होगा। तो ये कोशिश है हमारा, शुरुआत तो हो चुका है आप देख पा रहे हैं और आगे 1 बजे तक ये चलेगी, तो मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छा संख्या आज यहाँ से जाएगा। थैंक यू सर। तो आइए, जैसा हमने आपको बताया कि आज जो है 1 अक्टूबर है, नेशनल डोनर डे भी है आज, तो हमारे साथ जो है डॉक्टर साहिबा मौजूद है, तो इनसे भी 2 शब्द हम जानते हैं। और जैसा हमने आपको बताया, प्रकाश अधिकारी जी जो जिला परिषद मेंबर है और मैम जो है लीड कर रही हैं, तो आज जो है शपथ भी जो है ली गई है, तो इसके बारे में हम मैम से जानते हैं। जी, आज नेशनल ब्लड डोनेशन है, डोनेशन डे है। ये डे फर्स्ट टाइम 1975 में सेलिब्रेट किया गया था,
उसके बाद से 1 अक्टूबर हम लोग नेशनल ब्लड डोनर डे करके सेलिब्रेट करते हैं। इसमें हम लोग डोनर से अवेयरनेस कराते हैं कि क्या क्यों ब्लड डोनेट करना चाहिए, इससे बेनिफिट्स क्या है, सोसाइटी को क्या है, पेशेंट्स को क्या है और खुद डोनर्स को क्या है, ये सारा अवेयरनेस कराते हैं। इसके लिए डोनर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अभी आज हमने ये जो कैंप ऑर्गेनाइज किया है वो 1 अक्टूबर का ये डे देख के, ओकेजन देख के ही ऑर्गेनाइज किया है। तो आज हमने एक्सपेक्टेड है 40 to 50 डोनर्स। तो आज ये अगर आ जाते हैं फिर बाद में इसका सेपरेशन होगा, इससे प्लेटलेट्स बनेंगे, FAP बनेंगे और फिर पेशेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब इशू किया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट। मैम इस वक्त हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं तो काफ़ी लोग जो है कतराते हैं मैम ब्लड डोनेट करने के लिए, लोगों को डर बना रहता है, तो उनके लिए कोई संदेश? एक्चुअली ब्लड डोनेट करने से पहले हम उनका चेकिंग करते हैं कि डोनर भी फिट है कि नहीं है, उनको कोई बीमारी है क्या, उनको पता भी नहीं रहता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर रहता तो ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, उनका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। अगर वो फिट रहेंगे तो ही हम उनसे ब्लड डोनेट करवाते हैं। ब्लड डोनेशन के बाद भी हम उनका ब्लड वापस चेक करते हैं, जैसे कि HIV के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस और मलेरिया, उसमें अगर उनका कुछ प्रॉब्लम मतलब पॉजिटिव आते हैं या कुछ भी हमको लगता है कि उनको आगे का चेकिंग का ज़रूरत है या ट्रीटमेंट का, तो हम डोनर को बुलाते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, फिर आगे ट्रीटमेंट के लिए उनको रिफ़र भी किया जाता है। तो ये डोनर्स का भी एक चेकअप हो जाता है, उसमें डरने जैसी कोई बात नहीं। हाँ, डोनेशन के टाइम कभी कभी किसी को चक्कर आ सकती है गर्मी की वजह से या डर की वजह से, फिर उनका ट्रीटमेंट भी हम यही के यही कर देते हैं। और कभी कभी रहता है कि डोनर परमानेंट डिफर मतलब उनको पहले से ही कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि हार्ट अटैक हुआ हो पहले से उनको कन्वल्जन्स का प्रॉब्लम हो या ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जिनको हम लोग सामने से बोलते हैं कि आप कभी डोनेट नहीं कर सकते। तो हम पहले उनका स्क्रीनिंग करते हैं, वो फिट है कि नहीं है वो देखते, उसके बाद ही उनका हम ब्लड लेते हैं। तो उसमें डरने जैसी तो बात ही नहीं है, क्योंकि अगर वो फिट नहीं है तो हम वैसे भी उनसे ब्लड नहीं लेते। थैंक यू मैम अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और जैसा ये कहा जाता है कि रक्तदान को जो है महादान कहा जाता है, तो हम आशा करते हैं जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो लोग जो खास करके यूथ जो है आगे बढ़कर आएं और जो है आप लोग ब्लड डोनेट करें ताकि इसमें किसी की जो है जान बच सकती है। तो भाई यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित कैमरन विजय के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद।